वंदे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रयोगशाला साहिब भर्ती परीक्षा के जीव विज्ञान का मॉडल टेस्ट पेपर 4, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने वैसे भी जीव विज्ञान के अभी तक 3 मॉडल टेस्ट पेपर डाले, तो आप वो भी देख लें और जितने भी राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल टेस्ट पेपर डाले वो सारे देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और आपके एग्जाम बहुत अच्छा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, सबसे पहले खास बात आपके लिए कि आप जितने 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो, वो दिल से आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। वो कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? तो है विटामिन सी। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऊंचाई पर निवास करने वाले व्यक्तियों के रक्त में क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ए ऑप्शन इसका राइट है। जो ऊंचाई पर जो निवास करते हैं उनकी आरबीसी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ह्यूमरल प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? बी लिम्फोसाइट में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कॉकरोच में कायांतरण का प्रमुख नियंत्रक है कौन सा? वो कार्पोरा एलेटा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, केंचुए का मुख किस खंड में पाया जाता है? केंचुए का मुख किस खंड में पाया जाता है? पेरिस्टोडियम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पेरिस्टोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटामीबा हिस्टोलिका है क्या? ये आपको बताना, ये मनुष्य की अंतर का परजीवी है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, घरेलू मक्खी का लार्वा है कौन सा लार्वा है? वो मेगर। बी ऑप्शन इसका राइट है। फ्रेंड्स, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो हमें दोबारा बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं जल्दी से वीडियो पूरा करूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसको माना जाता है वो आपको बताना है। तो वह है न्यूक्लिक अम्ल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल कांड में प्रमुख प्रदूषक था, वो प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनेट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है कौन सा है? वो सौर ऊर्जा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है कौन सा एंजाइम है? वो है रेनिन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ट्राइसोमिक अवस्था है कौन सी है? वो 2n+1+1। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंग है, समजात अंग कौन सा है? मनुष्य, बंदर व कंगारू के हाथ समजात अंग के प्रारूप है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर टिड्डे का जीनोटाइप है कितना है उसका? 22+100। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण है हीमोफीलिया। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी के उपागम है कौन सा है? वो एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, आनुवंशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, प्रणाग के बीजाणु दानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बीजाणु पर्ण। बी ऑप्शन इसका राइट है। फ्रेंड्स, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी से इसका आंसर बोल रहा हूँ, मैंने चाहता कि आपका ज़्यादा समय लगे और आप जल्दी से वीडियो रिवाइज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? वो आपको बताना है कि लैंगिक जनन का रूप कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आपको बताना है। तो इसका है उभयलिंगता। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, पॉलीटिन गुणसूत्र देखे जा सकते हैं, किस में देखे जा सकते हैं? ये ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेज के वितरित माने जाने वाली अवस्था है कौन सी अवस्था है? वो टिलोफेज। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, शुक्राणु में एक्रोसोम किस में रूपांतरण द्वारा बनता है? गोल्जी काय द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, आदातर बनना शुरू हो जाती है किसमें? प्रारंभिक गैस्ट्रुला में। सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक के कायांतरण को तीव्रता प्रदान करने के लिए पानी में क्या मिलाया जा सकता है? आयोडीन। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? किसका संपन्न स्रोत है ये विटामिन ए। इसका ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट,
गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? कौन सी होती है? नेफ्रॉन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय मीन है क्या? ये प्रोटोप्टेरस नियोसिरिडोटस लेपिडोसायरन, ये तीनों है, मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका डी ऑप्शन राइट है, यानी इसमें तीनों ऑप्शन इसके सही है बिल्कुल। प्रोटोप्टेरस नियोसिरिडोटस लेपिडोसायरन, ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब इसका डी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निःशल्की कण पाए जाते हैं, निःशल्की कण किस में पाए जाते हैं? तंत्रिकाओं कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में असंतृप्ति। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट, एसिटिल कोएंजाइम के ऑक्सीकरण से उत्पादित होते हैं, क्या उत्पादित होते हैं? 15 एटीपी प्राप्त होते हैं। इसके डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में कितने नील्य होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने नील्य होते हैं? ये 4। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनमें रुधिर वर्ग होता है, कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है सी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ओ, सार्वत्रिक रक्तदाता। और सार्वत्रिक रक्तग्राही वो होता है डी, उसका डी होता है। लेकिन इसका क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। सार्वत्रिक रक्तदाता कौन होता है? ओ रक्त समूह वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक विक्रिया में होता है, क्या होता है? ए ऑप्शन इसका राइट है, एटीपी और एनएडीपीएच2 का निर्माण तथा ऑक्सीजन का निष्कासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम पौधों के रंध्र क्या होते हैं? इसमें रात में खुलते और दिन में बंद हो जाते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्जेलो एसिटेट प्रथम इकाई उत्पाद है, किसका उत्पाद है? C4 चक्कर का। सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर लसी का यानी हिमोलिम्प इनमें देखी जाती है, किन में देखी जाती है? संधिपात यानी ऑर्थोपीड में। ए ऑप्शन इसका राइट है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरंड के बीजों के अंकुर में कौन सा एंजाइम है वसा खाद्य पदार्थों पर क्रिया करता है? कौन सा करता है वो आपको बता दें, वह लाइपेज। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ वाष्प और सर्जन की दर को कम करता है? वह है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट व एसबीजिक एसिड, यानी दोनों ही है इसका, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए व बी, दोनों ए व बी दोनों ऑप्शन इसके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? मतलब हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, एस ए नोड, यानी हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? एस ए नोड को कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण की आर्द्रता निम्न में से किसकी दर को घटा देती है? किसकी दर को? वाष्प उत्सर्जन की दर को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमि में पौधों के लिए आवश्यक जल, आवश्यक जल क्या है? केशिका जल। ए ऑप्शन इसका राइट है, आवश्यक जल केशिका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःशल्क अंडों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? एक। एक सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ब्लूम के पीछे उत्तरदायी शिवाल कौन से हैं? कौन से हैं वो? क्लोरोफाइसी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्लोरोफाइसी। सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे, कौन से लक्षण थे वो? इसका बी ऑप्शन सही है, नखरित पंख, जबड़े पर दांत, पूंछ। बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजा यानी पित्त रहित सवन पुल कहलाता है, क्या कहलाता है वो? वो कहलाता है प्रोटोस्टील। ए ऑप्शन इसका राइट है, प्रोटोस्टील ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दृढ़ कोशिकाओं के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। ये जीवित कोशिकाओं का समूह है, ये सही नहीं है, मतलब इन्हें स्टोन कोशिका भी कहते हैं। ये तंतु कोशिकाओं के साथ मिलकर ये दृढ़ उत्तक की रचना करते हैं, ये तो सही है, लेकिन सही क्या नहीं है? ये सी ऑप्शन सही नहीं है, जीवित कोशिकाओं का समूह है, मतलब ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ये कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ये है नेपथन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, नेपथस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागनली के बीजाणु द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है वो? वो कहलाती है अंडद्वारी प्रवेश। ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं ये कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आत्पोदभिद। आत्पोदभिद सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप दिल से बताएं कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, वो आप हमें ज़रूर बताएं। और आपको लैब असिस्टेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए और किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप जल्द से जल्द हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाएं। और आप हमारे जितने वीडियो हैं मैं उसका लिंक इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।